महाराज जी, आपने इतने सारे विषयों का अध्ययन किया हुआ है, उसके साथ ही आपने एक किताब भी लिखी है, सोच से परे जीवन। तो महाराज जी, उसी पर थोड़ी चर्चा करनी चाहूँगी। उसमें एक विषय है लिमिटिंग बिलीफ, यानी कि जितना हम सोचते हैं उसके बियॉन्ड हम कैसे जी पाएं। तो मैं चाहूँगी महाराज जी इस पर विस्तार से हमें समझाएं कि क्या मतलब क्या है इसका। जी पुनः नम्रता जी, मैं आपका खूब अभिनंदन हृदय से करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरी बात, जो मेरे मन की भाव हैं, वो सभी समाज को पहुँचाने का एक अवसर मुझे दिया। पहला ही प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और बहुत प्रसन्नता है कि जो मेरा मूल विषय है आपने उसको ही सबसे पहले लिया। देखिए, मैंने एक बुक लिखी है, सोच से परे जीवन। सोच से परे जीवन क्या होता है, माने एक होती है सोच, और उस सोच का इंडिकेशन सामान्य सोच से है। सामान्य सोच व्यक्ति की ऐसी होती है कि भाई, इसने मेरे को थप्पड़ मारा तो मैं इसको मुक्का मारूंगा, टिट फॉर टैट की भावना, जैसे को तैसा। पर मेरी सोच कुछ अलग कहती है। ये तो एक सामान्य सोच है, किसी से बदला लेना सामान्य सोच, और किसी को बदल देना ये बड़ी सोच। अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आज की युवा पीढ़ी को बड़े अच्छे शब्दों में, छोटी छोटी स्टोरीज से समझाने के लिए मैंने उस पुस्तक को लिखा है, और उसमें मैंने ये सारी चीज़ों को एक कुछ कुछ घटनाओं से जोड़ते हुए लिखा कि जिससे आज की युवा पीढ़ी को अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि एक बार एक सज्जन, जो मैंने उस बुक में डाला है, वो एक सज्जन एक घर के नीचे से निकल के जा रहे थे। तो जिस मकान के नीचे से निकले, उस मकान के दूसरे माले पर एक माता जी रहती थी। संजोग से उन्होंने पुराने समय में वो अंगीठी का प्रयोग करती थी, तो ऊपर से उन्होंने अंगीठी की राख को नीचे फेंक दिया, ऐश राख नीचे फेंक दिया, तो सारी की सारी राख उन सज्जन के ऊपर आ गई। अब आप विचार करिए कि एक बार आप या मैं, कोई भी अगर वो नीचे से अगर जाए और हमारे ऊपर राख, और हम वेल ड्रेस्ड हों, क्या करेंगे, क्या रिएक्शन होगा हमारा? क्रोध, गुस्सा आएगा, निश्चित रूप से गुस्सा आएगा, और कुछ ना कुछ हम लोग कहेंगे जरूर, अपनी खीज को निकालेंगे। वो सज्जन व्यक्ति थे, ये तो एक सामान्य सोच हो गई खीज निकालना ऐसी स्थिति पर। लेकिन ऊंची सोच की स्थिति क्या बनी, वो सज्जन जब नीचे से निकल रहे थे तो सारी राख उनके ऊपर आई। आश्चर्य की बात कि उन्होंने ऊपर नजर उठा करके देखा तक नहीं, अपने कपड़ों को साफ किया, झाड़ दिया, और उसके बाद दो शब्द बुदबुदाते हुए आगे बढ़ गए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, धन्य है ईश्वर तेरी लीला, मेरे कर्म तो ऐसे थे कि मेरे ऊपर जलते हुए अंगारे गिरने चाहिए थे, लेकिन तूने ठंडी राख से ही मेरा काम चला दिया, तुझे मैं प्रणाम करता हूँ। इतना कहकर के आगे बढ़ गए। अब आप विचार करिए, ऐसे सोच वाले लोग सामान्य नहीं होते, वो सामान्य सोच से ऊपर की सोच रखते हैं, तो वो आदर्श जीवन वाले लोग होते हैं, उनसे हजारों लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। ये ऐसी घटना मैंने उसमें लिखी है। एक घटना मैं आपको और बताता हूँ। आजकल लोगों का अपने पड़ोसियों से संबंध बढ़िया नहीं होता, एक दूसरे को देख करके लोग ईर्ष्या की भावना रख लेते हैं, इसका बच्चा 6 नंबर ले आया और मेरा मुंह बना लिया, अरे भाई ये भी बालक मेरा है। जिस दिन ये भावना बन जाएगी तो उस दिन आदमी को अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी, ये लाया तो बहुत अच्छा है, मेरा बालक भी अगली बार लाएगा, मैं भी उसको ऐसा बनाऊंगी। पर आजकल लोग ईर्ष्या बहुत करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने एक मकान बनवाया, बहुत अच्छा मकान उसने बनवाया, पड़ोसी का मकान थोड़ा हल्का पड़ गया। अब जब उसका मकान हल्का पड़ा तो उसको बड़ा गुस्सा आया, मैंने इतना मकान बढ़िया से बनवाया और पड़ोसी ने मुझसे भी अच्छा बनवा लिया। अब वो मन में अपने आप ही ईर्ष्या करने लगा। आजकल लोग होते हैं ना, किसी की तरक्की से अपने आप जलन रखते हैं, जबकि वो जो तरक्की वाला व्यक्ति उसका आदर करता है, लेकिन फिर भी जनरल लाइफ में आपने भी देखा होगा नम्रता जी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जानबूझ करके बिना कारण के ही किसी से द्वेष रखने लगते हैं। ऐसा ही हुआ, द्वेष के कारण उसने एक दिन क्या किया, अपने घर का सारा कूड़ा निकाला और कूड़ा ले जा करके जिसने अच्छा मकान बनवाया था उसके सारे फर्श पर फैलाया। अब आप बताइए, यदि कोई नया मकान बनवाए और उसके द्वार पर, और वो भी चबूतरे पर, कोई कूड़ा डाले तो आपको कैसा महसूस होगा, क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से झगड़ा होगा जी। लेकिन उस व्यक्ति ने कोई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि वो सज्जन प्रवृत्ति का था, अच्छा व्यक्ति था, ऊंची सोच रखने वाला था। उसने वो सारा कूड़ा उठाया, डस्टबिन में डाला, सफाई की, शांत, कोई रिएक्शन नहीं।
कोई रिएक्शन नहीं, तो उसको मौका लग गया। उसने कहा अच्छा लगता है कूड़ा कम पड़ा है। अगली बार उसने बहुत ज़्यादा अपने घर का जो कबाड़ा था उससे भी अधिक भारी भरकम, जैसे दो चार खरोंच उरोंच भी फर्श पर बन जाए, ऐसी चीज़ों को ले जा करके फिर डाल दिया। उसने फिर उसको उठाया, उठा करके कबाड़ी को कबाड़ा बेच दिया, कूड़े को साफ कर दिया, कुछ नहीं बोला। ये दूसरी बार में हुआ। तीसरी बार में उसने कहा कि अब की बार मैं देखता हूँ कि ये इसको यहाँ रहने ही नहीं दूंगा, उसने सोच लिया था। उसने अगली बार अपने घर की सारी नालियों की सफाई की और नालियों का जो सिल्ट था, जो कीचड़ थी, उसको बाल्टी में भरा और सारी बाल्टी का कीचड़ उसके द्वार पर फैलाया और बाल्टी भी वहीं फेंकाया गुस्से में। अब आप बताइए, अब तो तीसरी बार है, लोग तो कह देंगे भाई कि देखो दो बार में तो हम क्षमा कर देंगे पर तीसरी बार में तो दांत तोड़ देंगे। लेकिन तीसरी बार में भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सारी सिल्ट को साफ किया और बाल्टी को धोया और उसमें बहुत सारे आम भरे और पड़ोसी के द्वार पर जाकर के खड़ा हुआ। जैसे ही डोरबेल को बजाया तो उस पड़ोसी निकल करके आया। उसने देख लिया अंदर से कि ये आ गया, अब झगड़ा निश्चित है, तो अंदर से वो डंडा लेकर के आया। ऐसे लोग होते हैं, डंडा लेकर के आया। तो जब वो बाहर बाहर की ओर आया तो उसने एकदम कड़क के कहा, क्यों क्यों खड़े हो यहाँ, क्या चाहते हो? जब जोर से कहा तो उसने वो जो आम से भरी हुई बाल्टी आगे की ओर कर दी। जैसे उसने आम की बाल्टी को देखा और मुस्कुराता चेहरा देखा तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया, एकदम शॉक होकर के कहने लगा, क्या चाहते हो, आम क्यों दे रहे हो मुझे? तो उसने कहा, महोदय क्षमा करिए, जिसके पास जो वस्तु अधिक मात्रा में होती है वो दूसरे को वही तो दे सकता है। तुम्हारे पास जो था वो तुमने दिया और मेरे पास जो अधिक मात्रा में मैं वो मिठास दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपको ये आम देने के लिए आया हूँ। बस इतना सुनना था, सारा उसका गुस्सा रफू चक्कर हो गया, शर्म के मारे पानी पानी हो गया और उसने क्षमा मांगी कि मैंने तुम्हारे साथ में इतना दुर्व्यवहार किया और तुमने इतना सदव्यवहार करके मेरे जीवन को बदल दिया, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे प्रति ऐसी भावना नहीं रखूंगा। चरणों में पड़ गया, रोने लगा। अब आप विचार करिए, यदि वह बदले की भावना रखता तो दीवार जीवन भर खिंची रहती, पर उसने ऐसा व्यवहार कर दिया कि वहाँ पर दीवार की कोई आवश्यकता नहीं, बदला नहीं लिया, उसको बदल ही दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज के समय में सोच से परे जीवन को बनाना चाहिए और सोच से परे जीवन बनेगा जब आप सोच से परे यानी अपनी सामान्य सोच से ऊंची सोच रखने वालों का संग करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? पढ़ना चाहिए ये बहुत सब लोग जानते हैं, पर क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। ऊंची सोच वालों का संग करना चाहिए, ये मेरा नम्रता जी आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन है।